निगम जोरदार गोगो आरक्षण 10% आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग द बिल इज पास्ड बाय द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी। राज्यसभा में यह बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 162 वोट जबकि विपक्ष में सिर्फ 7 वोट पड़े हैं। ये पहले ही लोकसभा में पास हो चुका था मंगलवार को यानी कि कल, और इसके पक्ष में वहां पर 323 वोट पड़े थे। अब राष्ट्रपति के पास ये बिल भेजा जाएगा, कानून बन जाएगा। 10% आरक्षण अब कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा, जिसमें न सिर्फ सवर्ण है बल्कि सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ये लाभ मिलेगा। इस समय की बड़ी खबर यही है कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने पास कर दिया है। राज्यसभा में यह बिल पास हो गया है। सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थाओं में अब सामान्य वर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। ये 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, एक बड़ा फैसला है, और इसमें केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि स्लॉग ओवर्स में चौके छक्के लगते रहते हैं लेकिन यह छक्का है। पक्ष में 162 वोट पड़े हैं, विपक्ष में सिर्फ 7 वोट पड़े हैं, यानी कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। अभी सरकार कई और अहम फैसले कर सकती है, ये भी रविशंकर प्रसाद ने कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव इससे नहीं होगा। बीजेपी सरकार ने पिछले वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया है और SC/ST OBC वर्ग को इस नए आरक्षण से कोई नुकसान नहीं होगा। दिन भर बहस चली है लेकिन आइए सीधे ले चलते बीजेपी की प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं? 7 के मुकाबले 165 मत से ये बिल पास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरे देश के अंदर, लोगों के अंदर खुशियां की लहर फैलाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश के अंदर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो लोग आरक्षण में छूट गए थे, उनको न्याय मिला है और उनके अंदर बहुत बड़ी खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा देश के अंदर सबका साथ सबका विकास का किया था, उसको पूरा करने का काम किया है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को बधाई, और पूरे स्वर्ण समाज के लोगों को, जो लोग आरक्षण में छूट गए थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से विजयी मुद्रा विक्ट्री साइन बनाते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन, 162 पक्ष में 7 विपक्ष में पड़े, यानी कि ये बिल पास हो गया है। और थावरचंद गहलोत ने समर्थन देने वाले सभी दलों को धन्यवाद कहा है। कहा है कि इस विधेयक से गरीब तबके के लोगों को फायदा मिलेगा, और इस बिल को समर्थन देने वाले सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि वो सरकार धोखा देने का काम कर रही है। ये देखिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों हम आपको बता रहे हैं, दोनों जगह से पास हुआ। लोकसभा में 323 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और राज्यसभा में 165 बहुमत से दोनों सदनों में पास हो गया। राष्ट्रपति के पास अब इसे भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये एक